बारे में सीखा था, प्राव जी के बारे में। तो अब जो स्टार्ट करते हैं टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने कल परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और प्रतिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर परावर्तन की घटना पढ़ी, प्रकाश के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गोले दर्पण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोले दर्पण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, गोले दर्पणों का निर्माण किसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गोले दर्पणों से प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोले दर्पण, यानी गोले दर्पण क्या होते हैं। जैसे एक कांच का गोला होता है, ठीक है, एक बड़ा सारा कांच का गोला है, ये बड़ा सारा कांच का गोला है, और इस कांच के गोले को आपने क्या कर दिया, दो भागों में क्या कर दिया, काट दिया। जिसे गेंद है उस गेंद को आपने क्या कर दिया, दो भागों में काट दिया, ठीक है। तो इस गेंद को आपने क्या कर दिया, दो भागों में काट दिया। ये वाली जो गेंद है उस गेंद को आपने क्या कर दिया, दो भागों में काट दिया, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि ये जो कांच का गोला वो ऐसे है कि नहीं, और इधर की तरफ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इधर की तरफ इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, ये और इस प्रकार, ठीक है। इसको तो क्या बोलते हैं, वक्रता। जैसे एक बात मैं आपको लोगों को बताऊं, जैसे गोला होता है ना, गोला तो गोले का क्या होता है, केंद्र होता है, गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो जैसे इसमें गोले के केंद्र को इसमें क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है। जैसे मैं आपके ऑफिस में रहता हूँ, ये गोला आपके पास में है और ये इसका है केंद्र, क्या है, केंद्र। और इस गोले के केंद्र को आपने क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र। ये तो क्या वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया, गोला हो गया, ठीक है। आप देखिए हम बात करते हैं गोले दर्पण को किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए गोले दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के गोले दर्पण, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो दर्पण होता है उसको हमने क्या बोल दिया, अवतल दर्पण। तो दूसरा दर्पण हो गया उसको आपने क्या बोल दिया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगा क्या सिस्टम है। देखिए ये आपके पास में गोला है, क्या गोला, ठीक है, आपके पास में क्या है, गोला, कांच का गोला है। आपने क्या किया, इसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके केंद्र को आपने क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र, ठीक है। आप देखिए आपने क्या किया, इस गोले की जो इस साइड है, ये वाली जो उभरी हुई साइड होती है, इस उभरी हुई साइड की क्या कर दी, पॉलिश कर दी। उभरी हुई साइड की आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ये आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। और इसको आपने पहले ही क्या कर दिया, काट दिया था, ये पहले आपने क्या कर दिया था, काट दिया। देखिए इधर की तरफ आपने पॉलिश कर दी और यहाँ से आपने क्या कर दिया, काट दिया। तो पॉलिश किधर की तरफ की हुई है, बाहर की तरफ की हुई है पॉलिश, तब कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। और यदि पॉलिश अंदर की तरफ की होती है, यदि आपने पॉलिश को किधर की तरफ किया, अंदर की तरफ किया, है ना, जैसे मान लो एक गोला है उसके अंदर की तरफ आपने पॉलिश कर दी, तो वो आपको कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। ये तो कौन सा होता है, अवतल दर्पण, ये कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो अवतल और उत्तल दर्पण को पहचानने का तरीका आ गया, उत्तल और अवतल दर्पण को पहचानने का एक ही तरीका है, पॉलिश देखिए। यदि पॉलिश बाहर की तरफ हो तब तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। पॉलिश यदि अंदर की तरफ हो तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब है, मैंने क्या किया, यदि
गोले की सतह को, गोले की सतह को बाहर से पॉलिश कर दिया जाता है। यदि गोले की सतह को बाहर से पॉलिश कर दिया जाता है, यदि गोले की सतह को आपने बाहर से पॉलिश कर दिया तब कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण। और यदि गोले की सतह को आपने अंदर से पॉलिश किया तो गोले की सतह को बाहर से पॉलिश कर दिया, गोले की सतह को अंदर से पॉलिश कर दिया, गोले की सतह को जब बाहर से पॉलिश किया तो वो अवतल दर्पण, और गोले की सतह को अंदर से पॉलिश किया तब उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे ये गोले की सतह को आपने बाहर से पॉलिश कर दिया तो कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण। और गोले की सतह को अंदर से पॉलिश कर दिया तो कौन सा दर्पण बना? उत्तल दर्पण। समझ गए, ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। यदि गोले की सतह को बाहर से पॉलिश कर दिया तब अवतल दर्पण, और गोले की सतह को अंदर से पॉलिश कर दिया तब कौन सा दर्पण बनता है? ये अवतल दर्पण। ये कौन सा बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, ये दो प्रकार के दर्पण बन गए, गोले दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं, यानी गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोले दर्पण से संबंधित परिभाषा, यानी गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है। तो सबसे पहली जो परिभाषा आती है उस पहली परिभाषा को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र का मतलब होता है गोले का केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो ये क्या कहलाता है? गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरी जो परिभाषा होती है उसको हम बोल सकते हैं, जैसे मैं यहां पर परिभाषित करता जाता हूं, जैसे गोला है, ठीक है, और इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले के केंद्र को क्या बोल दिया? वक्रता केंद्र। गोले के केंद्र को क्या बोल दिया? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, ये जो इसको आपने क्या बोल दिया? मुख्य अक्ष। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष, मतलब जिस अक्ष पर दर्पण रहता है उस अक्ष को आपने क्या बोल दिया? मुख्य अक्ष बोल दिया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है? मुख्य अक्ष का मतलब होता है कि गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष की अच्छी परिभाषा रहेगी, गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरा जो है उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को हम एफ से परिभाषित करते हैं। किसे परिभाषित करते हैं? एफ से। वक्रता केंद्र को किसे परिभाषित करते हैं? सी से। वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र। फोकस बिंदु का मतलब एफ, यानी फोकस बिंदु। फोकस बिंदु का मतलब रेली क्या होता है? फोकस बिंदु का मतलब ये होता है, मैंने क्या बताया कल? मैंने ये बताया था कि ये तो क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी, ये तो मुख्य अक्ष है,
और इस गोले का केंद्र क्या बनाता है? वक्र का केंद्र। इस गोले का केंद्र क्या बनाता है? वक्र का केंद्र। और इस गोले के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो फोकस बिंदु क्या कहलाता है? कि जो प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण निकल बताया था, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश की किरणें सीधी आती हुई, मतलब समानांतर आती हुई, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई जिस बिंदु से गुजरती है परावर्तन के बाद में, जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को आपने क्या बोल दिया? फोकस बिंदु। क्या बोल दिया? फोकस बिंदु। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को आपने क्या बोल दिया? फोकस बिंदु। ठीक है, तो ये आप इसको क्या बोल दिया? फोकस बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है वह क्या कहलाता है? मैं क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस यानी एफ कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को आपने क्या बोल दिया? मुख्य फोकस बोल दिया। फिर अगली जो परिभाषा आती है, चार नंबर की परिभाषा, उसको बोलते हैं द्वारक। द्वारक को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए एक गोला होता है, उस गोले का क्या होता है? व्यास होता है। गोले का क्या होता है? त्रिज्या होती है। ठीक है, गोले की त्रिज्या को तो आपने क्या बोल दिया? वक्रता केंद्र। यानी गोले की त्रिज्या का जो केंद्र है उसको तो क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, और जो गोले का जो व्यास है, गोले का जैसे मान लीजिए गोला है, इस गोले का ये जो व्यास है उस व्यास को हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? द्वारक। तो गोले का व्यास, गोले का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। गोले का व्यास द्वारक कहलाता है। तो गोले का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। तो ये फोर्थ परिभाषा, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस बिंदु हो गया। एक और परिभाषा जिसको हम डिफाइन करते हैं, उस परिभाषा का नाम है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल मैंने कल बताया था, तल का मतलब क्या होता है? एक्सवाई प्लेन। कल बताया था ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या है? तल। तल का मतलब समझिए, देखिए जैसे ये आपके पास में क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहां से कोई किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर की कोई किरण आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण है या फिर किसी भी प्रकार से कोई किरण है। ठीक है, तो किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या रखी? एक वस्तु रख दी। ठीक है, तो इस तल में कोई वस्तु स्थित है? इस तल में। तो इस तल को आपने क्या बोल दिया? फोकस। समझ गए मेरी बात? इस तल को आपने क्या बोल दिया? फोकस तल। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तु यानी फोकस बिंदु पर स्थित वस्तु, फोकस बिंदु पर स्थित वस्तु जिस तल में होती है, जिस तल में होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे फोकस तल कहते हैं। तो फोकस बिंदु पर स्थित वस्तु जिस तल में होती है उस तल को क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये पांच परिभाषाएं आप लोग डिफाइन करें, फिर हम अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा को हमें क्या कर लेते हैं, चार जो पांच परिभाषाएं है ना, उस पांचों परिभाषा को क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिखने का मतलब ये है एक डायग्राम बनाना, डायग्राम के अंदर हम पूरी चीजें दर्शा देंगे, है ना। तो देखिए पूरी चीजें दर्शा देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या आपके पास में, बोलो ये आपके पास में क्या, बोला मिरर, ठीक है। इसका ये जो केंद्र है, इस केंद्र को आपने क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र। देखो मैंने क्या बोला, गोले का केंद्र है, गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र है, गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और मैंने क्या बोल दिया दूसरी परिभाषा कि जो दर्पण होता है, आपने पॉलिश कर दी तो क्या बन गया, दर्पण बन गया। जो दर्पण होता है जिस अक्ष पर स्थित होता है उस अक्ष को क्या बोल दिया, मुख्य अक्ष, है ना। तो ये जो अक्ष है जो इसके केंद्र से गुजर रही है उस अक्ष को आपने क्या बोल दिया, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये इसका व्यास, इसका व्यास, व्यास ये क्या होता है, गोले के केंद्र से गुजरने वाली जो भाग है उसको आपने क्या बोल दिया, व्यास बोल दिया। ये पूरा व्यास, उस व्यास को आपने क्या बोल दिया, द्वार। ये क्या कहलाता है, द्वार। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र का मतलब हो गया सी। ये क्या हो गया, ये तो गोला है, ये क्या कहलाता है, द्वार कहलाता है। फिर देखिए मैंने क्या बताया, इसी के अंदर बना रहा हूं, इसी के अंदर बना रहा हूं कि जब समानांतर आती हुई किरणें, प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, समानांतर आती हुई किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है, समानांतर आती हुई किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को आपने क्या बोल दिया, फोकस बिंदु। ये क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु का मतलब क्या हो गया, स्मॉल एफ, फोकस बिंदु। और इसका जो तल है, इसका जो तल है मतलब इस फोकस बिंदु पर स्थित जो वस्तु रखी होती है जिस तल में, उस तल को आपने क्या बोल दिया, फोकस तल बोल दिया, ठीक है। तो इसको आपने क्या बोल दिया, फोकस तल बोल दिया। इस तल को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये क्या हो गया, फोकस तल। देखो पांच परिभाषा हो गई, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, द्वार और फोकस तल। पांचों की परिभाषाएं एक साथ गोले के अंदर, ठीक है। ये परिभाषा, ये हो गया गोले दर्पण से संबंधित परिभाषा। हमने दर्पण पढ़े, दर्पण के प्रकार पढ़े, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर इससे संबंधित क्या पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाट, क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाट। यानी हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना उस समय क्या काम में लेते हैं, चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन देखिए चिन्ह परिपाटी तो हम काम में लेते हैं, लेकिन मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसको सोल्व करने का दूसरा तरीका होता है ना, वो इजी रहेगा, है ना। दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो तरीका है उसको मैं बता सकता हूँ, जो अगला जो पॉइंट आता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, गोले दर्पणों की, गोले दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। गोले दर्पणों की क्या लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी। मुझे एक बात बताना कि जब हम मैथ पढ़ते हैं यानी गणित पढ़ते हैं, गणित तो गणित के अंदर मुझे एक बात बताना, ये आप बता सकते हो इसको क्या बोलते हैं, ये अक्ष वाई है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम निर्देशांक बोलते हैं, द्वितीय निर्देशांक, तृतीय निर्देशांक, चतुर्थ निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि ये जो निर्देशांक होता है इसमें दोनों ही यानी अक्ष और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इधर क्या हो गया, इधर हो गया ये तो नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इधर इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, और इधर क्या हो गया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। देखिए आप लोग ये समझिए, है ना, ये ना तो आप चिन्ह परिपाटी बोलेंगे ना कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप यहाँ पर क्या मान लो, जीरो जीरो मान लो, क्या मान लो, जीरो, है ना, जीरो जीरो मान लिया।
मुझे एक बात जीरो क्या इधर तो लगे तो कौन सी संख्या होगी पॉजिटिव संख्या आएगी तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ये क्या हो गया पॉजिटिव इधर की तरफ क्या हो गया अपने आप नेगेटिव जब आप ऊपर जाओगे तो इधर की तरफ क्या हो गया पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाओगे तो इधर की तरफ क्या हो गया नेगेटिव बस सिंपल सी बात इधर की तरफ पॉजिटिव तो इधर की तरफ नेगेटिव इधर की तरफ पॉजिटिव तो इधर की तरफ नेगेटिव बस सिंपल सी बात इसी प्रकार से यहाँ पर गोले द्रव्यमान की चिन्ह परिपाटी देखते हैं ना तो उस समय भी हम क्या देखते हैं देखिए हम इस प्रकार से देखते हैं यदि हम आपतित किरण की दिशा में जाए देखो ये कौन सी किरण है आपतित किरण यानी कोई भी प्रकाशीय घटना होने से पहले प्रकाशीय घटना होने से पहले जो किरण होती है ना उसको क्या बोलते हैं आपतित किरण तो आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं उस समय हम क्या लेंगे पॉजिटिव देखो इधर की तरफ जा रहे हैं नहीं जाते ये वाला साइन देखिए ये वाला साइन ये क्या है पॉजिटिव है ना तो इस दिशा को हम क्या लेंगे धनात्मक यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी इसको क्या लेंगे धनात्मक लेंगे और यदि हम इधर की तरफ आए देखो इधर की तरफ आ रहे हैं तो इसको क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे और ये जो नीचे की तरफ जाए ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसको क्या लेंगे ऋणात्मक ठीक है तो दिशा समझ में आ जाएगी कैसे लेनी है इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या पॉजिटिव है ना इधर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव इधर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव इधर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव समझ गए तो आपको ये भी याद रहेगा दोनों चीजें क्या रहेगी याद रहेगी ठीक है लेकिन ये तो है चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई इधर की तरफ पॉजिटिव इधर की तरफ नेगेटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव सिंपल सी बात लेकिन दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि संक्रोध करने का देखिए संक्रोध करने का तरीका बता रहा हूं जैसे आप लोग क्या करें इसको हम क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं जो ये वाली संरचना होती है ना बिंदु को इस बिंदु को क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं पोल यानी ध्रुव है क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं ये वाली क्या कहलाती है ध्रुव या ठीक है अब देखिए आप ना आप यहां पर बैठ जाइए कहां पर पोल के ऊपर पोल के ऊपर बैठ गए ठीक है अब आप देखिए कि कोई लाइन देखिए क्वेश्चन जब दोनों से आंसर सेम ही आएगा कोई गड़बड़ नहीं होगी ठीक है यदि लाइट इधर की तरफ आ रही है इसको कौन सी किरण बोल दिया आपतित किरण फिर ये टकराई टकराने के बाद भी इधर की तरफ जा रही है उसको कौन सी किरण बोल दिया परावर्तित किरण ठीक है और यदि कोई आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कोई वस्तु नीचे की तरफ जा रही है इसको आप तो मुझे बताओ कि पोल पर आप बैठे हो तो आपकी आपको पर फोकस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा लाइट सामने से आ रही है आप पोल पर खड़े हो आपके आंखों पर क्या पड़ेगा फोकस पड़ेगा तो इस दिशा को तो आपने क्या बोल दिया यानी मुझे बताओ आपके आंखों पर फोकस पड़ेगा तो लाइट एकदम से बढ़ेगी ना उसको आपने क्या बोल दिया पॉजिटिव बोल दिया क्या बोल दिया पॉजिटिव बोल दिया और इधर की तरफ जा रहे हो तो आपकी आंखों से जो फोकस है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो इस दिशा को क्या बोल दिया नेगेटिव बोल दिया ठीक है आपके आंखों पर फोकस बढ़ रहा है उसको आपने क्या बोल दिया पॉजिटिव आपके आंखों से फोकस कम हो रहा है उसको आपने क्या बोल दिया नेगेटिव बोल दिया ठीक है फिर यहां पर देखिए ये दिशा तो अपने आप ही याद हो जाएगी ये तो क्या हो जाएगी प्लस वाई और ये क्या हो जाएगी माइनस वाई इसको तैयार करेंगे इसको भी याद रख सकते ये तो क्या प्लस अक्ष ये क्या है माइनस अक्ष है ना तो सिंपल सी बात तो ये आपके पास में गोले दर्पण से संबंधित परिभाषा चिन्ह परिपाटी से संबंधित फिर हम पढ़ते हैं आगे आगे आते हैं आगे जो गोले जाता है वो आता है गोले दर्पण से प्रतिबिंब गोले दर्पण से प्रतिबिंब की रचना यानी गोले दर्पण से प्रतिबिंब की किस प्रकार से रचना उसके लिए क्या होते हैं कुछ नियम होते हैं है ना उन नियमों को हम ध्यान रखते हुए क्या बनाते हैं प्रतिबिंब बनाते हैं
है ना। तो इसके लिए रचनाएं एवं 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 तो गोले दर्पण से प्रतिबिंब की रचनाएं और इसी क्या सीखते हैं, नियम सीखते हैं। देखो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम ये होता है कि पहला नियम ये होता है, देखिए मैंने क्या बताया, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो कभी भी कंसेप्ट को खराब मत करना कि प्रकाश को टेढ़ा मेढ़ा चला दिया, ऊपर चला दिया, नीचे चला दिया, ठीक है ना। प्रकाश को सीधा चलाना, ठीक है, कैसे चलाना, सीधा। अब देखिए पहली हम बात करें तो ये हमने क्या बनाया, कौन सा दर्पण है बताओ, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण को पहचानने का तरीका समझ गए कि पॉलिश मैंने किधर की तरफ की है, बाहर की तरफ पॉलिश की है, तो कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, मुझे बताओ ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये क्या हो गया फोकस, ये क्या हो गया वक्रता। पहला नियम यह है जो मैंने पहले भी बता दिया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आगे हुई किरणें परावर्तन के बाद में किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला नियम क्या है कि ये पहला नियम, पहला नियम कौन सा है, ये पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद किसे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो किसे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आते हुए किरणें किसे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरा नियम, ये पहला नियम समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है, किसे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम ये कि यदि कोई आपतित किरण, यदि कोई आपतित किरण किस पे गिरी है, ध्रुव पर गिर रही है, तो परावर्तन के बाद में वो ऐसी की ऐसी निकल जाएगी। देखिए देखिए डायग्राम से देखिए, जैसे मान लो कि ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये क्या हो गया मुख्य, ये क्या हो गया पोल, किस पर गिर रही है, ध्रुव पर गिर रही है, ये क्या हो गया ध्रुव यानी पोल, ठीक है। तो देखो किस पर गिर रही है, जिस कोण से गिर रही है उसी कोण से वापस चली जाएगी। दूसरा नियम क्या है कि ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण जिस कोण पर गिर रही है ना, उस कोण से वापस चली जाएगी। यदि ये वाला कोण आई है, ये वाला कोण क्या हो गया आर, कोण आई बराबर क्या होता है आर होता है। तो प्रारंभ की घटना में जिस कोण पर गिरी उसी कोण से क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो देखो ध्रुव पर जिस कोण पर, ध्रुव पर जिस कोण पर आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी, उसी कोण से क्या हो जाएगी परावर्तित हो, उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। और इस घटना को मैं क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर के बारे में इसमें परावर्तन के, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा नियम, पहला नियम समझ में आ गया,
किसके समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, किसके ऊपर गुजरेगी, फोकस से ऊपर गुजरेगी, दूसरे रेखा के ध्रुव पर आपतित हो रही है आपतित किरण, जिस कोण पर आपतित हुई उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। सिंपल सी बात, ये तो हमने किसमें पढ़ा था, परावर्तन विधि में पढ़ा था। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम ये होता है, ये तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, इसे वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, ये क्या हो गया है और ये क्या हो गया सी। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, जैसे मान लो यहां से कोई किरण गुजरी है किसी वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद में इस प्रकार कैसे कैसे आई और कैसे नहीं चलेगी, ठीक है, किससे गुजरी है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद में उसी दिशा में वापस चली, है ना। तो देखिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली किरण गुजरने वाली, ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, है ना, गुजरने वाली या फिर आपने क्या बोल दिया आपतित किरण। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद उसी दिशा में विपरीत, यानी उसी दिशा में विपरीत होकर गुजर जाते हैं, मतलब उसी दिशा में लेकिन विपरीत होकर गुजर जाते हैं, ठीक है, उसी दिशा में विपरीत होकर गुजर जाते हैं, ठीक है। तो ये गोले द्रव्य की प्रतिबिंब बनाने से पहले हमने क्या 3-4 नियम सीखे, ठीक है, ये 3 नियम सीखने के बाद में हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है, इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए, ठीक है, इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए किसी वस्तु का क्या बना सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब की रचनाएं किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, उसके ऊपर आंतरिक जो क्वेश्चन है मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।